अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो नाइन्थ क्लास का आपका जो केमिस्ट्री का पेपर था, उसके जो वेरिएंट टू यानी जिसको आप हम हार्ड पेपर बोलते हैं, उसकी आंसर की मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला जो क्वेश्चन था, इट वाज C12 H22O11 का मोलर मास कितना है, सो दैट इज़ 342 ग्राम। नेक्स्ट है कि वो फहरिस्त मुंतखब करें जिसमें सिर्फ अनासर हों, तो ये है जी बोरॉन, नियॉन और कार्बन। उसके बाद है कि विच ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री डील्स विद सब्सटेंसेज कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। तो इसका जो करेक्ट जवाब है दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है पीरियोडिक टेबल में वो कितने हैं, उसकी तादाद कितनी है, 8 है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, सो दैट इज़ ऑप्शन डी, आर, बी। और उसके बाद है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 8A, तो दैट इज़ हीलियम और HE24। और उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ अ हायर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज़ सोडियम, Na। और उसके बाद अ लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू, सो दैट इज़ 101.324 किलो पास्कल। उसके बाद दर्ज जल में से आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कंटेनिंग पार्टिकल्स लार्ज इनफ टू बी सीन फ्रॉम द नेकेड आई, सो दैट इज़ सस्पेंशन। फिर उसके बाद प्रोडिक्ट ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ डाउन सेल, सो दैट इज़ Na2Cl2। फिर उसके बाद कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4, सो दैट इज़ +7। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द हैलोजेंस विद द लोएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर अमॉन्ग द फॉलोइंग, सो दैट इज़ I2। तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कितने गलत हुए, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज़।